दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल अल जज़ा में। कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों जो आज ही मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं आपको कतर के वीज़ा और फ्लाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आप लोग का जैसे सवाल आ रहा था कतर से रिलेटेड कि वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा और मल्टी एंट्री वीज़ा को लेकर, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और गर्ल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ नमाज़ पढ़ना शुरू करें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कतर में जो वर्क वीज़ा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कि फुल टाइम वीज़ा जो कि 2 साल का होता है, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा जो कि 3 महीने का होता है, जिसको मल्टी एंट्री वीज़ा भी कहते हैं। अब दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि जो फुल टाइम वीज़ा होता है 2 साल वाला वर्क वीज़ा, वो उसमें आपकी आईडी वगैरह बनती है, आप वहाँ पे जब तक चाहें उस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, आपको वापस आने की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आप लोग का जब मर्जी हो तब वापस आइए, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लीजिए, एग्जिट आ जाइए। और रही बात दोस्तों शॉर्ट टर्म वीज़ा की, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि वो 3 महीने का होता है। अगर कंपनी ने इनकेस आपका एक्सटेंड कर दिया तो अच्छा है, तो वो 3 महीने से 6 महीने होगा, 6 महीने से 9 महीने होगा, 9 महीने बाद आपको लाजिम एग्जिट लगवाना ही पड़ेगा। और अगर इन केस वो लोग आपका ये जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है या मल्टी एंट्री वीज़ा है इसको एक्सटेंड नहीं करती, तो आप लोग को दोस्तों किसी भी हाल में 3 महीने में इंडिया वापस आना पड़ेगा या पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, जहां के भी आप हैं वहां पे आपको वापस आना पड़ेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो आपकी जो एजेंट से बात हुई है या कंपनी से बात हुई है, आप उससे बात कर ले दोनों से कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, उसी वीज़ा पे जाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि शॉर्ट टर्म वीज़ा पे QVC नहीं होता, वो बिना QVC कराए आप जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग QVC में फेल हो चुके हैं, वो लोग अपना बिजनेस वीज़ा लगा के जा सकते हैं, उनको मुश्किल नहीं होगी। अब रही बात दोस्तों एक और चीज़ की कि ये दोनों ओपन है कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी दोनों इशू कर रही हैं। अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि कतर के विजिट वीज़ा बिजनेस वीज़ा और वर्क वीज़ा को बंद करा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खुले हुए हैं, जैसे कि खुले हुए थे नेपाल का भी खुल चुका है, अब श्रीलंका का भी बंद किया हुआ है क्योंकि फ्लाइट बंद है। तो अभी जैसे आप लोग पुराने तरीके से जा रहे थे इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश से, वैसे ही आप लोग जा सकते हैं, आप लोग को कोई मुश्किल नहीं होगी। और रही बात दोस्तों फ़्लाइट की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कतर की फ़्लाइट भी ओपन है, जिस भी मुल्क से, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका बांग्लादेश हो, इन चारों मुल्कों की फ़्लाइट खुली हुई है। हाँ बस नेपाल की फ़्लाइट जो है कुछ दिन आ रही है, जैसे हफ्ते में 3 बार आ रही है, लेकिन हाँ 15 तारीख से वो भी पूरा फुल टाइम चलेगी, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों यही मैं आज आपको बताना चाह रहा था। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।